न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं मैंने न्यूज टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर, एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की। देवेंद्र फडणवीस के पंख छांट रहा बीजेपी हाईकमान, नेता प्रतिपक्ष विजय वटेटीवार का बड़ा दावा। चंद्रशेखर बावन कुले के रसूख का असर, बार से गायब हुआ हादसे की रात का सीसीटीवी फुटेज। कल्याण में गौरक्षा महासंघ के कार्यकर्ता का अपहरण कर की पिटाई। आइए देखते हैं खबर विस्तार से। देवेंद्र फडणवीस के पंख छांट रहा बीजेपी हाईकमान, नेता प्रतिपक्ष विजय वटेटीवार का बड़ा दावा। महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजने को है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप और माइंड गेम के खेल शुरू हो गया। एक तरफ सभी पार्टियों अपनी रणनीति बनाने में जुटी है, तो दूसरी ओर विपक्षी दलों और उनके नेताओं के खिलाफ बयानबाजी जोरों पर। कभी सभा और बैठकों के जरिए तो कभी मीडिया से संवाद के दौरान विपक्षी दलों पर नेता प्रहार करते नजर आते। चुनावी समर में प्रतिद्वंदी नेताओं के साथ माइंड गेम खेलना भी रणनीति का एक हिस्सा होता है। वही काम आज कांग्रेस नेता विजय वटेटीवार ने किया। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वटेटीवार ने दावा किया है कि भाजपा हाईकमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का पंख छांट रहा है, अब उनका अधिकार कम किया जाता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब कोई अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता या उपयुक्त नहीं रहता तो उसे इस तरह साइड करना शुरू कर दिया जाता है। फडणवीस पर नजर रखने के लिए अब दिल्ली से अनेक नेता यहां भेजे जा रहे हैं। आई बढ़ते अगली खबर क्यों। चंद्रशेखर बावन कोले के रसूख का असर, बार से गायब हुआ हादसे की रात का सीसीटीवी। नागपुर पुलिस महाराष्ट्र भाजपा प्रमुख चंद्रशेखर बावन कोले के बेटे संकेत और उसके कई दोस्तों से जुड़े मामले की जाँच कर रही है। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के मुताबिक जिस बार में इन लोगों ने शराब पी और खाना खाया, वहां से सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस ने जांच के सिलसिले में रेस्टोरेंट का डीवीआर जब्त कर लिया। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत और उनके दोस्तों ने नागपुर के जिस बार में 9 सितंबर को शराब पी और खाना खाया था, उसका सीसीटीवी फुटेज गायब है। तथा जांच के तहत रेस्तरा का डीवीआर जब्त कर लिया गया। संकेत बावनकुले की ऑडी ने सोमवार की सुबह रामदास पेट में कई वाहनों को टक्कर मार दी थी, जिसमें मोपेड पर सवार दो लोग घायल हो गए। कार कथित तौर पर संकेत का दोस्त अर्जुन हावरे चला रहा था। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। कल्याण में गौ रक्षक महासंघ के कार्यकर्ता का अपहरण करके। थाने जिले के कल्याण इलाके में अखिल भारतीय गौ रक्षक महासंघ के कार्यकर्ता का अपहरण करके पिटाई करने का मामला सामने आया। गोमांस ले जा रहे एक ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिससे गुस्साए दो भाइयों ने मंगलवार को अखिल भारतीय गौ रक्षक महासंघ के कार्यकर्ता का अपहरण कर लिया, जिसने ट्रक जब्त करवाया था। दो आरोपी गौरक्षक महासंघ के कार्यकर्ता को कल्याण में दुर्गाड़ी किले के पास एक तबेले में ले गए और पिटाई की। दोनों भाइयों ने गौरक्षा महासंघ के कार्यकर्ता को धमकी दी कि अगर गोमांस के साथ ट्रक पुलिस को पकड़वाया तो वे उसे जिंदा दफना देंगे। इससे गौरक्षक महासंघ के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी। अब आप हमारे न्यूज चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई टू डिस्काई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इस यूट्यूब फ्लैग भी देख सकते हैं। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का, ब्रेक से लौटे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ पंकज बिश्नो और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। और आप देख रहे हैं।